नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 24 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा, 100 डे इमेज स्ट्रेटेजी, गांस लेवल, मुरेस लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स और इंसर्ट दबार, NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब भी कुछ नया वीडियो लोड करूँगा तो मैंने बीच बीच में स्ट्रेटेजी देता हूँ और चार्ट का सेटअप देता हूँ, तो और कुछ एडुकेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करके वीडियो बनाता हूँ, तो उसका वीडियोस भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स ऑलरेडी है और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही आसान कर देगा और प्रॉफिट हो सकता है आप लोग का बहुत ही आसानी से। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे बताता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और ये जो फाइल है इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे इसका ट्रेड लेना है, मैंने उसका टूडेज परफॉर्मेंस आप लोग ने आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो बनाया है उसका उसमें उसका अंदर मैंने परफॉर्मेंस में ये ट्रेड कैसे लेना है, ये बाइस लेवल को इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लेना है और कि इसमें क्या क्या है उस पर भी मैंने देखा है, तो वो भी आप लोग को वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। तो देखिए तीनों सेटअप बाइस लेवल्स देता हूँ, बाइस लेवल 1, बाइस लेवल 2, बाइस लेवल 3, उसके बाद गन मुरेस फिबोनाची बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा, मैंने एक करके दिखाऊंगा, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये फाइल पूरा शेयर करता हूँ, उसमें फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग कुछ दिनों तक ये फाइल को देख सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस इधर देख सकता है। और उसके बाद आप लोग फिर सर्विस भी ले सकता है, तो मेरा लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा, व्हाट्सएप में भी कॉल प्रोवाइड करूंगा, तो ऑल सेगमेंट में मैंने देता हूँ। और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक, सैम्पल फाइल जो है ये डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। और जो लोग एलिस ब्लू, हस्ता ट्रेड, अपस्टॉक्स जीरो सॉरी अपस्टॉक्स और एंजल वर्किंग में वो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब वीडियो का में उसका लिंक दिया गया है, उस वजह से आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए बाइस लेवल 1 में मैंने इसका बाइक का एंट्री लेवल बीच में रखा हूँ, और टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहेगा, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। और सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। इसमें आप लोग को गैप ओवर गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है, कौन सा लेवल पे है वो देख लेना है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल के लिए देखना है। आप लोग को मेरा आज का जो परफॉर्मेंस वाला वीडियोस निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस के साथ ही लिया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने बाइस लेवल वैसे लेवल 2 को दिखाऊंगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकता है, इसमें ट्रेंड भी आप लोग को पता चल जाएगा, इसका नीचे रहेगा तो ये नीचे जाएगा, आप लोग समझ सकता है मतलब पकड़ सकता है, और इसका नीचे होगा तो आप लोग नीचे वाला ट्रेंड दिखेगा तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो जाता है। और वैसे लेवल 3 भी आप लोग यूज़ कर सकता है, ये R1 का एंट्री लेवल है और S1 इसका सेल का एंट्री लेवल है और पिवट पॉइंट भी है, और इसके बाद बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल और टीरन लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है, वो भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है, ये टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन। इसके बाद मैंने गान का लेवल दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारा चीज़ है आप लोग देख सकता है,
कैसे इसको आप लोग इंडिकेटर देके आप लोग मतलब पहले स्क्रीनिंग कर ले सकता है, स्टॉक चुन सकता है, उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकता है। तो देखिए गन का ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये बाइक का साइड है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं बाइक का लेवल्स। उसके बाद से ये है सेल का सपोर्ट का सेल का लेवल्स। इसके बाद ये गन स्क्वायर का लेवल है, R1 इसका एंट्री लेवल है। आप लोग पहले कौन सा लेवल पे है आप लोग को देख लेना है, कौन सा लेवल पे है तो उसका हिसाब से आप लोग को देख लेना है। तो इसके बाद इस ये सेल का लेवल्स है और ये है मुरेस का लेवल्स। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका से काम करता है, कुछ को पहले आप लोग को देख लेना है कौन सा लेवल पे है। सोच लीजिए 1130 और 1122 के अंदर है, सोच लीजिए 1128 पे है या 1127 पे है, तो इसके आप लोग 1122 के लिए देख मतलब टारगेट के लिए देखेंगे, मतलब सेल का एंट्री लेंगे। और इसका 1132 या 1131 या 1133 या 1134 इसके देखेंगे तो आप लोग इस टारगेट के लिए देखेंगे, ऊपर जाने के लिए देखेंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से काम करता है। और मैंने जो दिखाया ये तो मेरा पोजीशन दिखाया है, मतलब LTP का पोजीशन अभी फ़िलहाल कौन सा लेवल पे है, तो इसका इधर से आप लोग को मिल जाएगा। और लास्टली मैंने जो कौन सा डिग्री पे है ये गन एंगल मैंने बाद में एक्सप्लेन करूँगा, जो लोग को पता है तो वो लोग समझ सकता है, और जो लोग को नहीं पता है उसके लिए मैंने पहले अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो जो लोग विश्वास रखते हैं कि गन का लेवल के ऊपर या प्राइस का, वो लोग गन का लेवल या प्राइस लेवल मतलब बनासी या मुरेस का लेवल, और जो लोग प्राइस एक्शन करता है इंडिकेटर तो ठीक है, वो लोग अच्छी तरह से कैसे काम करता है उन लोग का अपना तरीका है। लेकिन जो लोग गन लेवल पे विश्वास करता है तो ये लेवल्स आप लोग गन लेवल फिबोनाची लेवल्स या मुरेस लेवल्स या और भी बाइसेल लेवल्स जो दूसरे तरीक़े से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से बनाया हो, गन फैन का लेवल से बनाया हूँ, तो सब पहले वाला जो मैंने आप लोग को दिखाया तो इसमें लेवल पे जो आप लोग जो लोग को भरोसा है तो इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए इधर ये टाइम भी मैंने इधर दिखा है, कोई इसका जो टाइमिंग है तो मतलब ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसका हिसाब से ये कौन सा गन का कौन सा डिग्री पे है, कौन सा एंगल पे है वो इधर दिख रहा है। और उसका चेंज इन टाइम मतलब उसका चेंज कब आएगा, मतलब रिवर्सल कौन कितना टाइम पर आएगा वो भी इधर से दिख रहा है। ये भी एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, सभी समय एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है लेकिन लगभग आसपास में आप लोग नोटिस कर सकता है, क्योंकि जब भी कुछ प्राइस चेंज हो सकता है, कुछ लोग नहीं मानता है कि नहीं मानता है लेकिन ये होता है कि जब भी टाइम और प्राइस एक दूसरे को स्क्वायर ऑफ स्क्वायर करता है तब भी मार्केट में कुछ चेंज आता है। इन्हें इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाऊंगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहले बहुत सारा लेवल्स आप लोग को पिछले वाला वीडियोस मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस एंड बाइसेल लेवल्स टू डेज परफॉर्मेंस में दिखा दिया, तो ये भी ये बाइसेल लेवल 1 2 3 भी अभी दिखा देता हूँ। ये बाइसेल लेवल 1, ये बाइसेल लेवल 2, और ये बाइसेल लेवल 3। इसके बाद स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, सभी का नहीं है सभी के लिए स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद ये जो पैसा ये जो चीज़ है ये भी आप लोग को ये कुछ नंबर थ्योरी दे के बना हुआ है, इस नंबर पे बाद इस नंबर पे आएगा, तो इसीलिए ये भी नोटिस करने का चीज़ है, आप लोग देख सकता है इसको 1 डे का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से सब बना है। और ये है गन एंगल का लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये गन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल्स, और ये है मुरेस का लेवल्स। मुरेस का लेवल्स आप लोग को समझा दिया हूँ, होपफुली आप लोग समझ गया होंगे। और इसका टाइमिंग भी आप लोग को देख सक दिखाता हूँ, आप लोग भी इसका नोट कर सकते हैं। सोच लीजिए जो लास्ट निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक ये फ्यूचर्स और फ्यूचर्स का है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये इंडेक्स का है, तो लास्ट जो सेशन ख़त्म हुआ है
सोच लीजिए उसका हिसाब से ये 5 घंटा या 2 घंटा जो मैं ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद, उसमें देखेंगे आप लोग बड़ा चेंज कुछ जो भी कुछ बड़ा चेंज आएगा तो उसके हिसाब से बनेगा। उसके लिए मैंने फिर से अलग और भी इलियट हो गया फिबोनाची का टाइम साइकिल भी मैंने आप लोग को डेवलप कर रहा हूँ। फिबोनाची इलियट टाइप का तो ऑलरेडी गा चुका हूँ, गान का लेवल्स और भी लेवल्स मैंने दिखाऊंगा आप लोग को बाद में। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, देखिए इंडिकेटर देख के और बाय सेल लेवल देख के काम करता है, लेकिन आप लोग नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो ये आप लोग कन्फर्म कर ले सकता है, लेकिन टाइमिंग को जब आप लोग एक साथ करेंगे तो उसमें क्या होता है आप लोग एंटिसिपेट भी कर सकता है और जो ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है उसका उसमें आप लोग को कितना टाइम में टारगेट अचीव हो सकता है वो भी आप लोग को एक एस्टिमेशन मिल जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तो जरूर काम करता है और भी बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है, सप्लाई वॉल्यूम डिमांड का भी काम करता है। तो लेकिन इससे ये टाइमिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट साइकिल में चलता है या वेब में चलता है। अच्छा ये है कमोडिटी का लेवल, कमोडिटी का लेवल्स और भी कुछ बाकी रहेगा। अब लोग पॉज करके देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जल्दी चला देता हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज़ दिखाने का है। रात भी हो चुका है, इसको बना के वीडियो लोड करने के बाद लोड होने से टाइम लगता है, आप लोग समझ सकता है। उसके बाद 100 डे में स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। इधर से 100 डे मूविंग एवरेज का दिखाता हूँ। सोच लीजिए 100 डे मूविंग एवरेज जिस जिस स्टॉक्स को आज का डेली कैंडल का 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है वो कल जब इसका हाई लो ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये इसमें डीवी स्लैब दिखाता है, आप लोग खुद चेक कर सकता है। पीटी लाइट इंडस्ट्रीज में दिखा रहा है, ये मैं चार्ट में नहीं शो करूँगा, येस बैंक में हुआ है। और इसके बाद इनसाइड द बार NR4 NR7। अच्छा इसमें और भी एक चीज़ है, ये है गापी मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। जो लोग को पता नहीं है वो लोग टेक्निकल क्लासरूम मनी कंट्रोल में आप लोग इसको स्टडी कर सकता है। ये गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये देखिए ये ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म EMAs है और ये ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म EMAs है, तो उसका जो एवरेज निकलता है एवरेज शॉर्ट टर्म और एवरेज लॉन्ग टर्म का जो वैल्यू निकलता है तो लास्ट ट्रेड प्राइस उसका कौन अप में है या लॉन्ग ऊपर में, एवरेज शॉर्ट टर्म का ऊपर है या एवरेज लॉन्ग टर्म का नीचे है, तो उसका हिसाब से ज़्यादा ऑलमोस्ट पूरा ही मतलब दिखता है डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। एनी वे उसके बाद मैंने इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखाऊंगा। इनसाइड द बार NR4 NR7 में देखिए कौन सा बना है, इसमें NR4 NR7 बना है अंबुजा सीमेंट पे और इनसाइड द बार वन डे का हिसाब से बना है बार्जर पेंट में, NR4 NR7 बना है भेल में और कॉनकॉर में, और इनसाइड द बार बना है DLF में गेल में। ठीक है वन डे का हिसाब से ठीक है। मैंने दूसरा और भी कुछ जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो दिखाता हूँ। देखिए लोअर लगातार 3 दिन से लोअर ही लोअर लो बना रहा है, अशोक लेलैंड, एक्सिस बैंक, भारत फोर्ज, बॉस लिमिटेड, और दिखता है और कुछ बना है क्या नहीं बना है कैंडलस्टिक। इधर इन्वर्टेड हेमर दिख रहा है बार्जर पेंट में,
मैंने एक बार एक को आप लोग को चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये आप लोग भी खुद देख सकते हैं। देखिए ये बड़े तरीके से सही ये मिल जाएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करके बनाया हूँ। तो सोच लीजिए मैंने बार चार पॉइंट देखिए वाट्स पॉइंट, वाट्स पॉइंट इसका वन डे का चार्ट लगाता हूँ, वन डे का चार्ट इसका कैंडलस्टिक करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मेशन हुआ है। मैंने दिखा रहा था इन्वर्टेड हैमर। तो देखिए इधर एक्चुअली ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसमें ये एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर ही है। तो इधर जो ग्रीन लाइन है इसके साथ मतलब मिल गया है, तो इसीलिए ठीक से नहीं आप लोग को नहीं दिख रहा है इसका इन्वर्टेड। इसका जो वीक है आप लोग देख सकता है, इसका हाई देख सकता है, लो देख सकता है। इधर देखिए क्लोजिंग इतना इधर है 850 में, और अब ऊपर आप लोग देख सकते हैं 599 में इसका हाई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऊपर ये इसका लॉन्ग टेल है। इधर एक्चुअली ये जो ग्रीड लाइन के साथ ये मैच हो गया है, तो मैंने एक बार ग्रीड लाइन को हटा देंगे इधर से। तो नहीं आप लोग इधर से इतना देखेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। आप लोग खुद भी चार्ट पे आप लोग को जिससे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है आप लोग देख सकते हैं, ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है उसमें से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सोच लीजिए और मैंने डी लाइट इंडस्ट्रीज को मैं जो 100 मूवी एवरेज काट किया है, तो वो भी एक बार देख दिखा देता हूँ। डी लाइट इंडस्ट्रीज तो इसका 100 मूवी एवरेज शायद इधर मेरा चार्ट में लगा नहीं है, इसको काट करता है एक्चुअली। तो इधर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, इसका हटाना पड़ेगा, इसको हटा के मैंने एक्चुअली आप लोग भी खुद दिखा था, मैंने आज नहीं दिखाता हूँ। तो आप लोग को थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने इसका 100 डे करना पड़ेगा सिंपल को, इसका 100 डे करना पड़ेगा। तो 100 डे इसका और सबको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो 100 डे मूवी एवरेज है, देखिए इसका जो है ये कट कट किया है, तो है ना। तो इसको जब आप लोग हाई लो ब्रेक करेगा तो आप लोग देखिए इधर से जो इनसाइड दबा रेनर 4 इनर 7 एकदम मतलब ये देखिए भारत पार्ट्स में मैंने देखा है, तो इनसाइड दबा रेनर 4 इनर 7 वो भी आप लोग को क्लियरली दिख जाएगा इधर से, जो इधर मतलब एक्सेल शीट में दिखाता है। सोच लीजिए इधर वर्चर पेंट इनसाइड द बार भी बना है, तो इनसाइड द बार वन डेज का हिसाब से जो इनसाइड द बार है इधर भी देखता है। और सभी समय परफेक्ट नहीं आता है लेकिन लगभग मिल जाता है। इसके बाद सोच लीजिए डीएलएफ में देखता हूँ, डीएलएफ में आप लोग भी कुछ चेक कर सकता है। और किसी का कुछ क्वेरीज है या किसी का कुछ देखना है तो आप लोग देखिए ये जो आज का कैंडल है ये अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया, तो आज अगला दिन का कैंडल इंसर्ट दबा रहा है। तो ऐसे करके आप लोग इनर 4 इनर 7 सभी में ये आप लोग को नजर आ जाएगा मिल जाएगा। इन्वर्टेड हैमर तो हो गया, उसके बाद इंडिगो में भी इन्वर्टेड हैमर है,
और जो लगातार 3 दिन से जो लहर आई लॉस लॉस हो रहा था सोचे जो भारत फोर्ज, तो भारत फोर्ज में मैंने इतना सारा चार्ट में दिखाऊंगा तो थोड़ा सा मेरा एक्चुअल टाइम चला जाता है, बहुत सारा चीज़ दिखाना पड़ता है, आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं, तो मैंने बीच बीच में दिखा देता हूँ, तब भी भारत फोर्ज नहीं हो रहा है कुछ, शायद ज़्यादा हो गया इसीलिए नहीं ले रहा। और ऑलरेडी है क्या ऑलरेडी है सो नहीं कर रहे, तो ठीक है दूसरा कुछ देख लेते हैं। लोअर हाई लोअर लोस, इसमें हार हाई हाई लोस बना है करीला हेल्थ में लगातार 3 दिन से, तो उसमें जो कैडिला हेल्थ देखिए लगातार 3 दिन से ये हार हाई हाई लोस बना है, तो इसमें जब हाई लो ब्रेक होता है तो इसका हाई जब ब्रेक होगा तो और भी ऊपर जाने का प्रॉबिटी, इसका मोमेंटम और भी ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए इसका लोअर हाई लोअर लोस एचडीएफसी फर्स्ट, तो छोटा मोटा स्टॉक्स है, एलटी को देख लेता है, एलटी देखिए लगातार 3 दिन से लोअर हाई लोअर लोस बना के चल रहा है, तो ऐसे करके आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा इधर से टाइम नहीं वेस्ट करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा लोड करने का, ये भी इतना सारा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इसके बाद ये देखिए अबंडेंट बेबी मतलब गैप डाउन हुआ है ये सब, और एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बना है। देखिए इधर गैप अप गैप डाउन बना है मतलब गैप डाउन बना है, इधर से 50-50 का बना है, शेकआउट बना है, मास्टर शॉर्ट बना है, स्टार 3.5 एक्चुअली ये फिबोनाची लेवल का हिसाब से ये बना है मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट, अभी बहुत ही अच्छा तरीक़े से काम करता है। अच्छा ये सब तो लेवल हो गया है, उसके बाद देखिए फिबोनाची का आप लोग चेक कर सकता है, फिबोनाची का 7 डेज का जो को बाई सेल लेवल्स और बाई लेवल्स एंड सेल लेवल्स फिबोनाची ये सब लेवल्स आप लोग को काम पे आएगा, क्योंकि जब ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो मूवमेंट आप लोग को बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही दिखाता हूँ 2 डेज का, जो लोग को मतलब फाइल मिलता है तो 1 डेज का हिसाब से ये फिबोनाची लेवल नोट कर सकता है, मैंने बाद में ये फाइल भी आप लोग को मतलब दे देता हूँ जो लोग फ्री ट्रायल में ले लेता है व्हाट्सएप ग्रुप में, और मेरा उसके बाद पेड सर्विस लेता है तो उन लोग के लिए CPR पिवट पॉइंट भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में बनाया हूँ। तो इसके बाद देखिए ये वोलेटिलिटी बेस्ड वोलेटिलिटी बेस्ड है, कुछ इक्विटी स्टॉक्स का भी आप लोग इधर से चेक कर सकते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी का भी चेक कर सकते हैं, तो आप लोग बहुत सारा चीज़ एक साथ जब देखेंगे लेवल्स को तो आप लोग को मतलब मार्केट में एंट्री लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद ये गान का लेवल्स है, गान का लेवल से भी वोलेटिलिटी बेस्ड है, तो मार्केट में जब वोलेटिलिटी चल रहा है उसी का हिसाब से जब रिट्रेसमेंट या एक्सपेंशन का लेवल्स मैंने कैलकुलेट करता हूँ तो उसका प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाता है, मतलब चांसेस ऑफ मॉडल मेकिंग टारगेट्स या ये और भी बढ़ जाता है। इसके बाद ये फिबोनाची ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी बहुत ही ऐसे आप लोग कुछ स्टॉक्स का जस्ट ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद कुछ आप लोग को मेरा प्रॉब्लम आएगा या
कुछ पूछ ने कहा या कुछ लेवल मैच कर नहीं कर रहा है तो मेरे को बोल सकता है या पूछ सकता है। तो इसका देखिए ये भी बैंक निफ्टी का भी लेवल देख सकता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मतलब चीज़ है। इसका स्टैंडर्ड डिविजन के साथ लिंक करके मैंने ये बनाया और बहुत ही आसानी मतलब बढ़िया तरीक़े से ये काम करता है। और यह है इलिया डॉइब का, ये आप लोग स्टॉक्स में कुछ देख सकता है, स्टॉक्स में देख सकता है यार सॉरी। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी सभी में स्टॉक्स को तो दिखाने का संभव नहीं होता है, तो आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का साइकिल्स देख सकता है। सर्च लीजिए इधर, जब जब भी अपर का अपर वेब का आएगा उधर से आप लोग को लॉन्ग लेना है। सोच लीजिए 8018 के ऊपर आप लोग तो लॉन्ग नहीं आएगा, आप लोग वेब थ्री में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। 7864 जब आएगा इसके बाद आप लोग लॉन्ग ले सकते हैं 8247 के लिए। ये इसमें 135 ऊपर का लेवल है और 24 इसका करेक्शन लेवल है मतलब नीचे जाएगा। तो इसका 135 का जब लेवल में आएगा तो आप लोग ऊपर जाएगा, और इधर जब अप ट्रेंड में इसका ए बी सी मैंने इधर दो दो करके किया हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसको मैंने ब्रेकअप करके दिया हूँ, तो इसीलिए मैंने तो वे फोर वे और ए बी सी थोड़ा सा दो दो करके आया है। एक्चुअली 0.382% और 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसीलिए इसका हिसाब से बनाया हूँ, तो इसीलिए इसका ऐसा ही है। उसके साथ वोलेटिलिटी को भी मैंने लिंक किया हूँ इसके साथ, आप लोग इधर से कुछ भी चेक कर सकता है इसका फॉर्मूला। तो इसीलिए आप लोग को मैंने दिखाता हूँ और बोलता हूँ इसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो करेक्शन का लेवल है मतलब ये जो अप ट्रेंड है, तो ए का जो ए नीचे आएगा उसके बाद बी ऊपर जाएगा और सी नीचे आएगा। तो इसका हिसाब से आप लोग जिसका जिन लोग का मतलब आइडिया है तो ये इसी का हिसाब से काम कर सकता है और बहुत ही बढ़िया तरीक़े से काम करता है। ये एक्चुअली हार्मोनिक पैटर्न भी बोलता है, इलियट बोलता है। ये है डाउन ट्रेंड का लेवल, डाउन ट्रेंड में सर जो वेब वन नीचे आएगा, वेब टू ऊपर आ जाएगा, वेब थ्री नीचे आएगा, ऐसे करके आप लोग जब सोच लीजिए डाउन ट्रेंड में है इसका वेब, ये वेब वन से वेब टू डाउन में है, उसके बाद फिर ये जब इधर 17721 में आ जाएगा तो और भी डाउन ट्रेंड आप लोग शॉर्ट करने के इधर इधर से शॉर्ट कर सकते हैं। सोच लीजिए 1699 से 1700 2071 तक चला गया, तो ये 1547 तक रिट्रेस होगा, ऐसे करके आप लोग को समझ। इसके बाद फिर 1600 ऊपर जाएगा, 1600 नीचे, इसके बाद ऐसे करके जाएगा। तो ये है टाइम का मतलब, ये किस टाइम पे इसका मतलब ये अप ट्रेंड का करेक्शन है, अप ट्रेंड और करेक्शन का लेवल मतलब कितना टाइम में ये चेंज होगा वो भी इधर से आप लोग को क्लियरली दिख जाएगा। ये आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का भी नज़र रख सकते हैं। ये एक्चुअली मिनट का हिसाब से किया हूँ, सोच लीजिए आज का जो डेली चार्ट में किया है तो ये इसका जब 60 देके आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो इसका आप लोग को मिनट पे आ जाएगा, मिनट घंटे और मिनट पे आ जाएगा। तो इसका इसका भी इधर इलेक्ट्रो टाइप का टाइम इसका डाउन ट्रेंड एंड करेक्शन का लेवल मतलब टाइम है। एनीवे इसका तो लेवल दिखा दिया, उसके बाद मैंने वाइसल लेवल थ्री के ये तो फाइल आप लोग को जिन लोग को फाइल मिलता है आप लोग इधर से कुछ स्टॉक आप लोग देख सकता है जो लोग को फाइल नहीं मिलता है। उसके बाद गान का गान लेवल में मैंने हाई को पकड़ के गान का एंगल कैलकुलेट किया हूँ। उसके बाद गान का मतलब गान लेवल गान एंगल्स का हाई को पकड़ के उसका अप और डाउन किया हूँ। उसके बाद लो को पकड़ के किया हूँ, उसके बाद पिवट पॉइंट भी पकड़ के किया हूँ। तो इस एक बात क्या होता है, हम लोग जब इधर से लाइन ड्रा करता है ना इंडिकेटर में, तो ये हाई का आप लोग अप साइड और डाउन साइड कर लीजिए और लो साइड भी अप साइड डाउन साइड कर लीजिए, तो आप लोग को जो लेवल मिल जाएगा उसका लेवल पे आप लोग जब काम करेंगे तो अच्छा मिलता है। तो इसे ये आप लोग को एक्सेल फाइल में आप लोग को ये मिल जाएगा, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का नोट कर सकता है फिलहाल।
और इसके बाद 1360 डिग्री का एंगल मैंने उस टाइम भी दिखा दिया था जब निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाया था। और फिबोनाची का लेवल्स इधर से आप लोग नोट कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो नोट कर लीजिए फिलहाल। इधर भी आप लोग को पहले देखकर दिखा चुका हूँ, फिर भी अभी दिखाता हूँ और ये फाइल आप लोग को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप आज के लिए धन्यवाद। आई एस ए का भी है, तो कल फिर से मिलेंगे।